दोस्तों, बिग बॉस सीजन 18 के घर में अगर आप भी विवियन डेसेना के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इस समय बिग बॉस के लाइव फीड में विवियन डेसेना ने कहीं ना कहीं घर के सभी कंटेस्टेंट को इनडायरेक्टली जो है धमकी दे डाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, और ये धमकी है सामान को एक दूसरे के साथ शेयर करने को लेकर। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि विवियन डेसेना जो है वो स्मोकिंग रूम की ओर जा रहे थे चाय पीने के बाद में, जिसके बाद में यहाँ पर चूम दारंग जो है उसने विवियन से कुछ मांग लिया, यानी कि सिगरेट वगैरह के लिए कह रही थी कि सजदा और जो नायरा है वो सिगरेट वगैरह के लिए कह रही थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर विवियन ने घर के सभी कंटेस्टेंट को सुनाते हुए, चूम से बात करते हुए चूम को कहा कि देखो बात ऐसी है कि कल ना अविनाश के साथ में मेरी बात हो गई। अविनाश ने ये बोला था कि अब से घर के अंदर कोई भी ना सामान को एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करेगा, जिसका जो सामान है वो अपना सामान खुद के लिए यूज़ करेगा, एक दूसरे के साथ कोई शेयर नहीं करेगा। और इसलिए मैंने भी सोच लिया कि अब मैं भी किसी को कुछ नहीं देने वाला। हालांकि बाद में विवियन ने बात को पलटते हुए चूम को कहा कि देखो बात ऐसी है कि घर वाले यहाँ पर चिंदी चोरी दिखाते हैं, लेकिन मेरी ये आदत नहीं है कि मैं अपनी चीज़ें दूसरों के साथ जो है शेयर ना करूं। मैं दे देता हूं भाई, मेरे पास होता है तो, लेकिन मैं अपनी पर आ गया ना अगर, और मैंने अगर देना बंद कर दिया फिर देख लेना घर की कोई भी चीज़ ना मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा, ध्यान रखना ये चीज़। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से जो है विवियन ने सुबह सुबह यहाँ पर घर वालों को सुनाते हुए ये वार्निंग दे दी है और बता दिया है कि घर के अंदर जो लोग कुछ जो है चिंदी चोरी करते हैं वो ये करना बंद कर दे, अदरवाइज अगर वो अपनी पे आ गए तो फिर घर का कोई भी सामान वो किसी को भी एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करने देंगे। और ये सुनने के बाद कहीं ना कहीं चूम दारंग भी काफ़ी हैरान दिखाई देती है। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अविनाश ने जो विवियन के साथ में सामान शेयर ना करने की बात कही है वो सही है या गलत? आप अपनी राय हमें कॉमेंट करके बताएं। यदि आप भी विवियन और चूम दारंग के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि बिग बॉस की हर अपडेट आप तक पहुँचे सबसे पहले। हम्म।